हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिधानी अप्रेंटिस भर्ती 2020 के बारे में, जो कि मिश्री धातु निगम लिमिटेड के अंतर्गत निकली है और इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। यह भर्ती सीधी भर्ती के तौर पर होने जा रही है। यहाँ पर वैकेंसीज है 158, जो कि ऑल इंडिया के लिए है। ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जमा नहीं करानी होगी। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप भी इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती मिश्र धातु निगम लिमिटेड के अंतर्गत निकली है। यहाँ पर पोस्ट है ITI ट्रेड अप्रेंटिस, जिसके लिए 158 वैकेंसीज निकली है। इन वैकेंसीज पर ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में कम से कम ITI पास होना ज़रूरी है, जो कि ट्रेड के अंतर्गत आपको अप्लाई करना है। उसी के आधार पर आपको ट्रेड में ITI पास होना ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी प्रोवाइड करा रखी है, जो कि इस प्रकार है। फिटर के लिए 50 वैकेंसी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 48 वैकेंसीज, मैकेनिस्ट के लिए 20 वैकेंसीज, टर्नर के लिए 20 वैकेंसीज और वेल्डर के लिए भी 20 वैकेंसीज है, जो कि टोटल 158 वैकेंसीज है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन यहाँ पर मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस के द्वारा होने जा रहा है। दोस्तों, आपको कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले ये डिटेल यहाँ से चेकआउट ज़रूर कर ले। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। आप इस भर्ती के लिए बिना किसी आवेदन शुल्क के अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अप्लाई करने के पहले सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.apprenticeshipindia.org। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी ले लेनी है और फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको उसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफिशियल एड्रेस पर। ऑफिशियल एड्रेस है डेप्यूटी मैनेजर TIS एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनी मिश्र धातु निगम लिमिटेड, काचा बाग, हैदराबाद 500058। जी हाँ दोस्तों, इसी ऑफिशियल एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने के लिए लास्ट डेट है 16/10/2020। दोस्तों, आप इस भर्ती के लिए 16/10/2020 तक ही अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।